नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वीडियो में हम आपके लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्विज जीके लेकर आते हैं। ऐसा सामान्य ज्ञान हम इस वीडियो में आपके सामने परोसते हैं जो बिल्कुल हर एग्जाम के लिए जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। तो आज इस वीडियो में आप हिस्ट्री से यानी कि इतिहास से आप यहाँ पे क्विज सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1857 का जो विद्रोह है वो 10 मई को शुरू हुआ। इससे कुछ यहाँ पे एक जानकारी आप समझ लीजिए कि 1857 का जो विद्रोह है उसी को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। कई बार ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से सिलेक्टेड जीके यहाँ से निकल जाता है कि कई बार पूछा जाता है 1857 के विद्रोह के और किस नाम से जाना जाता है, तो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, 1857 के विद्रोह को ही क्या कहा जाता है, सिपाही विद्रोह। और इस विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था वो मेरठ में हुआ था, ठीक है? चलिए यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? ऑप्शन ए जर्मनी की संधि, बी पोलैंड की संधि, सी वर्साय की संधि और डी ब्रेटन वुड समझौता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रसंघ की जो स्थापना थी वो वर्साय की संधि के तहत जो है की गई थी। अच्छा, उसके साथ इससे कुछ फैक्ट यहाँ पे निकलता है वो आप समझ लीजिए। कई बार पूछा जाता है कि वर्साय की संधि में कौन कौन सा देश शामिल था, ठीक है? ये यहाँ पे पूछा जाता है कई बार। तो वर्साय की जो संधि है उसमें फ्रांस, रूस और अमेरिका, ये तीन देश जो है वो शामिल है। कौन कौन सा है? फ्रांस, रूस और अमेरिका। चलिए यहाँ पे तीसरा सवाल देखिए, अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्विज सेलेक्ट जीके है ये। अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी रूस और डी अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रूस। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि अक्टूबर क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो अक्टूबर क्रांति को ही रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं करना है, अक्टूबर क्रांति दे या फिर रूसी क्रांति दे, ये रूस से संबंधित है, ठीक है? और कई बार ये भी पूछा जाता है, ये जो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अक्टूबर का जो क्रांति है वो 25 अक्टूबर 1917 को शुरू हुआ था, ठीक है? कई बार आपसे पूछा जाएगा कि रूसी क्रांति या फिर अक्टूबर की क्रांति कब शुरू हुआ था, तो यह क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को शुरू हुआ था। अच्छा, एक और यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्ट क्विज जी के यहाँ से निकल कर आता है। कई बार पूछा जाता है कि रूसी क्रांति के जनक कौन थे, ठीक है? कई बार पूछा जाता है कि रूसी क्रांति या फिर अक्टूबर क्रांति के जनक कौन है, तो वो जो है यहाँ पे जनक मार्क्सवादी नेता, ठीक है? जो रूसी क्रांति के जनक है वो मार्क्सवादी नेता व्लादिमीर लेनिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? व्लादिमीर लेनिन को कहा जाता है। तो जो आपको ऑप्शन मिलेगा उसमें हो सकता है व्लादिमीर लिखा हुआ नहीं हो, सिर्फ लेनिन लिखा हो। तो रूसी क्रांति का जो जनक है वो लेनिन को कहा जाता है और ये रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है? चलिए यहाँ पे चौथा सवाल देखिए, अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन या फिर एसोसिएशन 1918 की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए एन एम जोशी, बी जे बी कृपलानी, सी महात्मा गांधी और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन एसोसिएशन के क्या किया था, स्थापना किया था। अच्छा, दूसरा उससे यहाँ पे एक आप और इम्पोर्टेंट समझ जाइए जो शायद आप लोग जानते भी होंगे कि साबरमती का संत किसे कहा जाता है, तो वो है महात्मा गांधी को, ठीक है? महात्मा गांधी को साबरमती के संत के नाम से जाना जाता है या फिर साबरमती के संत की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई है। चलिए यहाँ पे पाँचवा सवाल देखिए, इनमें से फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? ऑप्शन ए प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, बी स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व, सी स्वतंत्रता समानता और न्याय और डी स्वतंत्रता समासनता और जवाबदेही। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व। भ्रातृत्व को ही भाईचारा कहा जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन में हो सकता है भ्रातृत्व नहीं देके स्वतंत्रता समानता और भाईचारा दे,
तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इससे कुछ फैक्ट यहाँ पे निकलता है, वो आप फैक्ट यहाँ पे समझ लीजिए। कई बार पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के समय राजा कौन थे, ठीक है? तो फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां राजा थे, ठीक है? कौन थे? लुई 16वां। अच्छा, ये 14 जुलाई को जो है फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है? ये भी कई बार पूछा जाता है कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। और 14 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 जुलाई 1789 को, 1789 को क्रांतिकारियों ने वास्तिल किले को तोड़कर बंदियों को मुक्त करा लिया था, ठीक है? यही कारण है जो 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए यहाँ पे छठा सवाल देखिए, पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्विज जीके है ये, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी ये पूछा जाएगा। ये सब जो इस तरीके का क्वेश्चन होता है वो हमेशा जो है मोस्ट सेलेक्टेड क्विज जीके होता है। तो पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिराजुद्दौला। पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। अच्छा, इससे कुछ सिलेक्टेड यहाँ पे आप फैक्ट निकाल सकते हैं। वो क्या है कि कई बार पूछा जाता है कि पलासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी, ठीक है? किसकी हार हुई थी, या फिर ये पूछा जाएगा कि पलासी युद्ध में किसकी जीत हुई थी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से कुछ फैक्ट है वो आप समझ लीजिए। पलासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था, ठीक है? इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी तरफ बंगाल के नवाब की सेना थी, ठीक है? तो कई बार पूछा जाएगा कि पलासी युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और बंगाल के नवाब के सेना, ठीक है, दोनों के बीच हुआ था। और इसमें जो है सिराजुद्दौला की हार हुई थी, यानी कि जो बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उनकी हार हुई थी, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये दो लड़ाई हुई थी, यानी कि पलासी का जो युद्ध हुआ था, इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो है लॉर्ड क्लाइव थे, ठीक है? दोनों में ये भूमिका अपनाए थे, लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के तरफ से, और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। तो लॉर्ड क्लाइव ने जो है पलासी युद्ध में जीत हासिल की थी, किसको हराकर? सिराजुद्दौला को हराकर। चलिए यहाँ पे सातवां सवाल देखिए, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी विवेकानंद, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह का समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। चलिए यहाँ पे आठवां सवाल देखिए, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए कुमार संभव, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी कामसूत्र और डी श्रीमद् भागवत गीता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम है, ठीक है? और जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये जो शकुंतलम है किसका रचित है, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये महाकवि कालिदास की रचना है, ठीक है? अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो महाकवि कालिदास की रचना है, और इसी रचना को जो है 1791 ईस्वी में, ठीक है, 1791 में जॉर्ज फुस्टर ने जर्मनी भाषा में अनुवादित किया था, ठीक है? चलिए यहाँ पे नौवां सवाल देखिए, द गोल्डन थ्रेश होल्ड, इस नाम को आप समझ लीजिए, द गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी सरोजनी नायडू और डी अरुणा आसफ अली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरोजनी नायडू। द गोल्डन थ्रेश होल्ड जो है सरोजनी नायडू की लिखी हुई कविता संग्रह है, और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1905 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे आप दसवां सवाल देखिए और इस वीडियो का आखिरी सवाल, भारत में सबसे पहला सफल सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था, ठीक है? यहाँ पे एक फैक्ट, सबसे पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। सफल सूती वस्त्र यहाँ पे बता रहा है, भारत में सबसे पहला सफल सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सूरत, बी कोलकाता, सी बम्बई और डी अहमदाबाद।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सी, सॉरी यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत में सबसे पहला सफल सूती वस्त्र मिल जो है वो बम्बई में स्थापित किया गया था, और कब स्थापित किया गया था तो 1854 में, 1854 में, ठीक है। भारत का सबसे पहला सफल सूती वस्त्र मिल 1854 में बम्बई में स्थापित किया गया था। लेकिन प्रथम जो है, अगर जहाँ प्रथम की बात आए तो प्रथम जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था फोर्ट ग्लास्टर के नाम से 1818 ईस्वी में। इसलिए आप समझ लीजिए कि अगर पूछे कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल तो वो फोर्ट ग्लास्टर 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन जब बात सफल किया जाए तो 1854 में बंबई में स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से ये वीडियो का जो आखिरी सवाल था, 10वां सवाल, यहीं पे समाप्त होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर एपिसोड में, यानी कि हर जीके वाले शो में, हम यहाँ पे दर्शक के लिए एक आखिरी सवाल देते हैं, जिसका जवाब जो है आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर क्या करना होता है, पोस्ट करना होता है। तो चलिए, आपके लिए जो सवाल यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है वो आप देखिए। इंडिया डिवाइडेड, यानी कि भारत का बंटवारा, दोनों एक ही नाम है, एक इंग्लिश में है और दूसरा क्या है, हिंदी में है। तो इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए नरेंद्र देव, बी अरुणा आसफ अली, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको क्या कर देना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आपको पोस्ट कर देना है। और इस तरीके से आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे समाप्त होता है, और फिर मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में, नए क्विज जीके के साथ में।